चक्कर है भाई, चक्कर है, क्यों नहीं होता? चक्कर है भाई, चक्कर है, क्यों नहीं होती? चक्कर है भाई, चक्कर है। तो ये देख सकते हैं, हाई नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के आज चौथे दिन भी विपक्ष लगातार गारंटियों को लेकर सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। पिछले तीन दिनों की बात करें तो पिछले तीन दिनों से जो है पहले 1500 को लेकर यहां पर प्रदर्शन किया गया भाजपा की ओर से, फिर गोबर खरीद की गारंटी को लेकर प्रदर्शन किया गया, और पिछले कल की बात करें तो दूध की खरीद को लेकर जो था प्रदर्शन किया गया। आज जो है 5 लाख युवाओं को रोजगार देने को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। पहली बार इस विधानसभा में इस सेशन के मर्तबा ये देखने के लिए मिला है कि जहां सत्ता पक्ष के भी विधायक जो थे वो यहां पर नारेबाजी करते हुए नजर आए। प्रदर्शन दोनों ही, चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष की तरफ की बात करें तो दोनों की तरफ से यहां पर देखने को मिला। एक और सत्ता पक्ष जहां केंद्र सरकार को घेरती हुई नजर आ रही थी, उसके विरोध में प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही थी, वहीं विपक्ष जो था गारंटियों को लेकर यहां पर सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा था। तो देखिए इस खास रिपोर्ट में क्या कुछ कहना है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर व सत्ता पक्ष की ओर से विधायक इंद्रदत्त लखनपाल का। लगातार तीन दिनों से भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस प्रकार से प्रदेश की जनता का ध्यान बांटने की कोशिश कर रहे हैं और मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं, उसी के मद्देनज़र रखते हुए आज हमने कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं उन सभी ने आज निर्णय लिया कि क्यों ना इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए। जैसा कि आप सभी को मालूम है 2014 में मोदी जी ने पूरे देश को संबोधित करते हुए कहा था कि हर वर्ष मैं 2 करोड़ नौकरियाँ दूंगा बेरोजगारों को, लेकिन वो 2 करोड़ नौकरियां आज तक नहीं मिल पाई। और यह भी कहा था कि 15-15 लाख रुपए सबको देंगे, वो भी नहीं दिए। उसके बाद कहा था 100 दिन में महंगाई ख़त्म कर देंगे, वो भी नहीं हुए। फिर उसके बाद कहा था कि पाकिस्तान में एक सर कटेगा, पाकिस्तान के हम 10 सर काट के लाएंगे, तो वो सर पता नहीं कहाँ घूम गए। तो ये हर जगह झूठ ही झूठ ही झूठ। 56 इंच का सीना, 144 सांसदों को जिस प्रकार से बर्खास्त किया गया है लोकसभा सांसद के अंदर और राज्यसभा के अंदर, वो काला अध्याय है इस लोकतंत्र के लिए। और लोकतंत्र प्रणाली को जिस प्रकार से ये दिन प्रतिदिन ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है कभी भी इन मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने से पहले जिस प्रकार से गारंटियाँ दी थी, उसमें एक बहुत बड़ी गारंटी ये थी कि हम सत्ता में आएंगे तो हिमाचल प्रदेश में 5 साल में 5 लाख नौकरियां बेरोजगार नौजवानों को देंगे। और कैबिनेट की पहली बैठक में पहले दिन ही 1 लाख नौकरियां निकाल दी जाएंगी और वो नौकरियां हिमाचल प्रदेश के जो बेरोजगार हैं उनको दे दी जाएंगी। 1 साल बीतने के पश्चात भी आज ये हालात हैं कि हिमाचल प्रदेश में एक भी नौजवान को सरकारी नौकरी नहीं दी गई 1 साल बीतने के बाद भी। उल्टे हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे बच्चों ने जो हजारों की संख्या में नहीं लाखों की संख्या में हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम दे करके रखे हैं, उनके रिजल्ट अभी तक नहीं निकले हैं। और इस प्रकार से जो गारंटियों का इनका जो दौर हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले रहा, उसमें नौजवान भ्रमित हुआ, नौजवानों को लगा कि शायद हमको नौकरी मिलेगी और उस वजह से कांग्रेस पार्टी सफल हो गई सत्ता को हासिल करने के अपने उस लक्ष्य में। लेकिन आज हिमाचल प्रदेश का नौजवान ठगा ठगा महसूस कर रहा है, दर दर वो भटक रहा है, डिग्रियां हाथ में लेकर के।